मुझे विक्की जैन, नील ऐश्वर्या एंड मुनावर अच्छे लगते हैं। प्राइवेट लाइफ के अंदर घुस रहे हो बट अगेन पब्लिक फिगर होने का वो भी एक डिसएडवांटेज है। मुनावर इज अ मोर मेंटली स्टेबल, इमोशनली स्टेबल गाय। जो मेरी वेब सीरीज है हंगामा में रिलीज होने वाली है, उसकी शूटिंग चल रही थी अब तक। कैसे हो आज आप? सुंदर हो और भी प्रिटी। यार ऑनेस्टली आई एम वेरी अर्ली, तो सब लोग अभी आ रहे हैं और हम जा रहे हैं, तो बहुत कम लोगों से मिली। दिव्या से मिली, अपूर्वा से मिली, बस शिव से मिली, हर्ष से मिली, बस। और आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट नॉट टू वेयर ब्लैक। हमेशा मेरे पास ब्लैक कपड़े ही आते हैं, ब्लैक ऑप्शंस ही आते हैं। आज मैंने ठान लिया था आज मैं इवेंट पे नहीं जाऊंगी अगर मेरे पास दूसरे कोई कपड़े नहीं आए तो। सो दिस इज इट। बिग बॉस देख रहे हो? नहीं, मैं एक्चुअली शूट पे बिजी हूँ तो इसलिए नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आपसे भी देखूंगी। लेकिन बिग बॉस में छोटे छोटे इंस्टाग्राम पे क्लिप्स आते रहते हैं। हाँ, मुझे विक्की जैन, नील ऐश्वर्या एंड मुनावर अच्छे लगते हैं। मुनावर, लेकिन बीच में हम देख रहे हैं कि मुनावर और आयशा के बीच जो हुआ, कहीं ना कहीं मुनावर की जिंदगी को बिग बॉस ने खुली किताब की तरह लोगों के सामने वो किया है, प्रेजेंट किया है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? ये सही है? सी, सही नहीं है, बिकॉज आप एट दी एंड प्राइवेट लाइफ के अंदर घुस रहे हो बट अगेन पब्लिक फिगर होने का वो भी एक डिसएडवांटेज है कि प्राइवेट लाइफ तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्राइवेट चीज़ें चलती रहती है, बट हम हमारा ज़्यादा दिखता है एंड ज़्यादा चर्चा होती है। सो किसे वीर होते हुए देखना चाहते हो? सी, आई थिंक मुनावर इज अ मोर मेंटली स्टेबल, इमोशनली स्टेबल गाय। आई लाइक हिम एज अ पर्सन, द वे ही हैंडल्स थिंग्स। अब वो इंसान कैसा है, इंसान के तो अलग ट्रेट्स होते हैं, लेकिन वो इंसान अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करते हैं, दैट्स द गुड थिंग। I would support that person. So, क्या आप कोई बिग बॉस में जाने का सोच रहे हो? पैसे अच्छे मिलेंगे तो जाऊंगी। क्लियर को मैं बहुत क्लियर हूँ। हैप्पी न्यू ईयर का क्या प्लान है इस बार? I might go abroad. Let's see. I haven't figured that out yet, but I will. आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसे yes. आप शेयर करें? आप लोगों को आशिकों की महफिल कैसी लगी? आपने किया था, अच्छी लगेगी। थैंक यू। सो दैट वाज अ गुड वन। प्लस चेकमेट, जो मेरी वेब सीरीज है हंगामा में रिलीज होने वाली है, उसकी शूटिंग चल रही थी अब तक, एंड वो नेक्स्ट ईयर रिलीज हो जाएगी। सो इट्स गोना बी क्रेजी बिकॉज़ आई एम प्लेइंग अ सीरियल किलर। बहुत ही इंग्लिश वे में उसको शूट किया गया है, एंड आई एम श्योर यू आर गोना लव इट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।